गाडरवारा रेलवे स्टेशन गुरुद्वारे में सातवें दिन का पाठ साहब का समापन भजन कीर्तन नाचते गाते हुए बड़े हर्षोल्लास के साथ समापन हुआ। गाडरवारा सिंधी समाज के द्वारा गुरु नानक देव जयंती 553 व जन्मदिन रात 1:15 पर केक काटकर मनाया गया। जबलपुर से आए मोनू एंड पार्टी ने गुरु नानक जी की भजन एवं भगवान श्री झूलेलाल जी के गानों पर सभी ने आनंद लिया। बच्चों, युवाओं एवं महिलाओं ने नाचते गाते हुए गुरु नानक जी को पालकी में बिठाकर फूल की वर्षा की। गुरु नानक जी का उद्देश्य मानव जीवन में जो भी गलती है, गलत काम हुए हैं, उनको रुमाल में चढ़ाकर ढकने की अरदास की जाती है। सभी लोगों के द्वारा आरती की गई। गुरु जी के सामने मत्था टेकने की परंपरा आदि काल से चली आ रही है। मत्था टेकने का मतलब गुरु जी का सिंधी समाज के ऊपर आशीर्वाद हमेशा बना रहे, गुरु जी की कृपा दृष्टि हमेशा उन पर बनी रहे और वहाँ आशीर्वाद मिलता रहे। गुरु नानक देव जयंती के अवसर पर गुरुद्वारे में विशाल लंगर का आयोजन किया गया। सिंधी समाज के सभी वर्ग ने, माताओं, बहनों एवं बच्चों ने, अन्य समाज के लोगों ने भी प्रसादी ग्रहण की। गुरु नानक जी ने आम लंगर का महत्व बताया कि भाईचारा हमेशा बना रहे, इसलिए आम लंगर की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। गुरुद्वारे में भाई बहन सभी लोग सर ढक कर आते हैं। सर ढकना सम्मान का प्रतीक है व मर्यादा का प्रतीक है। गुरु नानक देव जी की इज्जत व सम्मान के लिए सर नंगा नहीं होना चाहिए। सभी गुरुद्वारे में मत्था टेकते हैं। जयंती के अवसर पर भोग साहब में सभी लोग रुमाल चढ़ाते हैं। कैसा क्या इसका महत्व है और गुरु नानक जी की वहाँ से पालकी भी आई गई है, क्या कहेंगे आप? वाहेगुरु जी, मैं पलक ससानी बोल रही हूँ। हमारे यहाँ गुरु नानक जी पे सब लोग रुमाल चढ़ाते हैं, प्रसादी बढ़ती है, आरती कीर्तन होता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत उत्साह से गुरु नानक जयंती मनाई जा रही है, तो सबको बहुत खुशी होती है। गुरु नानक जी का जन्मदिन रहता है इस दिन, जो हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं, और सारा गुरु नानक जी पे रुमाल चलता है, प्रसादी चढ़ती है, सब धूमधाम से, जिस प्रकार से डेकोरेशन होता है, लंगर बढ़ता है, सब इंसान खाना खाते हैं, और सब भाईजू की कृपा रहती है जो हम पे बरसती रहती है। इसलिए धन गुरु नानक, सारा जग तारिया। वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गुरु पर्व के दिन हम लोग यहाँ पे गुरु पर्व मना रहे हैं, जिसमें आज गुरु ग्रंथ साहिब जी के ऊपर रुमाला चढ़ा के यहाँ पे भजन कीर्तन किया जा रहा है। आप सभी को, मध्य प्रदेश, देश प्रदेश के लोगों को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ताकि मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, मैं अपने गुरु के बारे में। गुरु साहब का जो हम लोग ने हाजरा हजूर 10 पातशाही हैं, गुरु नानक शाह 10 गुरु हैं हमारे, और आज हाजरा हजूर विराजमान है हमारे गुरु ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ साहब जिनका हम लोग पाठ करते हैं 7 दिन हमारे घर में गुरु का मंगवा घर में लेके आते हैं और उनको घर में विराजमान करते हैं दरबार में, और दरबार में 7 दिन उनकी वाणी का हम लोग सब स्मरण करते हैं और उनकी वाणी का हम लोग सब बड़े प्रेम और प्यार से बैठ के हम लोग आनंद लेते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं उनकी कृपा है, उनकी रहमत है, और हमेशा वो रहमत हमारे ऊपर बरसाते रहते हैं। इसीलिए हम लोग भी गुरु का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि गुरु साहब का आज समाप्ति, जिसको हम लोग भोग साहब कहते हैं, और उनके बाद हम लोग आरती अरदास और उनके ऊपर वस्त्रों की बौछार करते हैं। वस्त्र एक सब अपने घर घर से वस्त्र लेके आते हैं, जिसको हम लोग रुमाल साहब कहते हैं, और रुमाल साहब गुरु के चरणों में भेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे बच्चों ने आज बढ़िया गुरु को पालकी में बिठा के यहाँ पर लेके आए हैं, ये मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैंने अपनी उम्र में ये पहला मैंने अपने बच्चों का ये कार्यक्रम देखा है, जो मैंने सिर्फ उनको बताया कि भाई ऐसा ऐसा करना है, पर उन्होंने तो उससे कई गुना ज्यादा करके दिखाया। मैं चाहूंगा उनके लिए, बच्चों के लिए हमारे जोरदार तालियां बजाते हुए बोलो गुरु नानक देव की। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।